हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको माइक इको सर्किट बोर्ड के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास एक माइक इको बोर्ड है जिसपे आप माइक चला सकते हो और वो भी साथ में इको के साथ। तो दोस्तों, ये बोर्ड जो आप देख रहे हो, ये बोर्ड अगर आप लेना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ से ख़रीद सकते हो। और दोस्तों, ये बोर्ड आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एम्पलीफायर में यूज कर सकते हो। ये छोटा सा सर्किट है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटा सा एम्पलीफायर में यूज होगा, आप इसको बड़े एम्पलीफायर में भी यूज कर सकते हो। तो आप इसको किस तरीका से यूज कर सकते हो, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते दोस्तों इसके कनेक्शन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें दोस्तों कि जो यहाँ पर इसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे इनपुट होगा। जो माइक सॉकेट होगा हमारा कुछ इस प्रकार का जो माइक सॉकेट होता है, और यहाँ पे इसका एक आउटपुट होता है, ये देख सकते हो आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे इनपुट हो गया और यहाँ पे आउटपुट हो गया। और यहाँ पे सप्लाई के लिए इनपुट लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जो एक रजिस्टेंस मोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट इनपुट होगा जो हमारा सप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देना है, तो किस तरीका से देना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रिंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्लस 12 वोल्ट होगा और यहाँ पे हमारा माइनस होगा। और यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा, तो यहाँ पर दो प्रिंट बने हुए हैं, तो यहाँ पर एक ग्राउंड के साथ होगा और एक मेन के साथ होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आउटपुट के लिए है, एक माइनस से लेना है और एक यहाँ से कैपेसिटर से लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो कनेक्टर है आपका माइक सॉकेट का, तो इसका जो माइनस वाला पॉइंट है दोस्तों, हम इसका कनेक्शन यहाँ पे करेंगे जहाँ पे इसका इनपुट लिखा हुआ है। ठीक है, आईपी लिखा हुआ है इनपुट, तो यहाँ पे दो प्रिंट आपको दिख रहा है। तो जो हमारा माइनस है, जो नीचे वाला देख सकते हो ये काफ़ी दूर में फैला हुआ है, तो ये हमारा ग्राउंड है, तो इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। और उसके बगल में हमारा इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से कर लेना है इस सॉकेट का कनेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि सप्लाई के लिए हम दो वायर लेंगे जो हमारा यहाँ पे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से ही हमारा सप्लाई जाएगा। तो यहाँ पे जो दो होल बने हुए हैं, तो यहाँ पे प्लस होगा जो कि 12 वोल्ट इसमें जाएगा, और जस्ट उसके बगल में जो प्रिंट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा इसमें ग्राउंड जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई के लिए हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से जो हमारा ऑडियो आउटपुट होगा, जो किसी भी एम्पलीफायर में इनपुट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पे तीन वायर लेंगे और दो वायर को हम एक साथ जोड़ लेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। और उसके बाद ये दोनों को हमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर जो आउटपुट है उसके मेन वाला में हमें ये दोनों वायर को एक साथ कनेक्ट कर देना है यहाँ पे, और जो बीच वाला वायर बचा है दोस्तों उसको हम ग्राउंड में ले लेंगे। तो एक तरह का से यहाँ से तो दोस्तों हमारा मोनो आउटपुट करता है, तो जैसा कि इसमें लेफ्ट राइट और ग्राउंड होता है दो चैनल, तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे तीन वायर है, तो जिसमें हम एक मान के चलते हैं बीच वाला ग्राउंड है और बाकी दोनों हमारा लेफ्ट राइट है, तो इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा मोनो हो जाता है। तो उसको हम कनेक्शन कहाँ पे करेंगे दोस्तों कि नॉर्मली जो हमारा कार्ड होता है, जो ऑडियो इनपुट होता है सभी कार्ड में, तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट का जो तीन पिन होता है दोस्तों, तो बीच वाले को बीच के साथ और बाकी दोनों के साइड में लेफ्ट राइट में कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आवाज़ निकलेगा दोस्तों वो माइक के जरिए वो मोनो ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट राइट में और ग्राउंड में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इसका पिन बना हुआ है, तो हम इसमें सिंपली इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑडियो इनपुट का जो कनेक्शन था वो मैंने कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई का जो वायर है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा बोर्ड यूज कर रहे हैं जो कि 6283 का है। अगर आपके पास कोई भी एम्पलीफायर होगा तो जो इसमें हमारा पावर सप्लाई होगा 12 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे इस बोर्ड में मैं 12 वोल्ट सप्लाई से चलाने वाला हूँ।
तो डायरेक्ट मैंने 12 वोल्ट का जहाँ सप्लाई आता है वहाँ पर मैंने इसका कनेक्ट कर दिया है। अगर आप इसको डुअल सप्लाई पर चलाना चाहते हो तो इसके लिए आप अलग से एक 12 वोल्ट का जो कि 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर हो या एडेप्टर हो आप इसको यूज कर सकते हो। ट्रांसफार्मर से अगर आप इसको देना चाहते हो तो आप उसके लिए आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। अगर आप अडेप्टर से दोगे तो वो ऑलरेडी हमारा प्योर डीसी रहता है। तो ये दोस्तों हमारा पूरा कनेक्शन हो गया है। तो चलिए अब हम इसको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे दो प्रीसेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक को तो आपको हमारा यहाँ पे इको का होगा और दूसरा हमारा डिले का होगा। अगर हम इसमें हेलो बोलेंगे तो वो कुछ सेकंड बाद आएगा और इसको कम करेंगे तो जब हम बोलेंगे उसी टाइम पे आएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा चेक करके। तो चलिए फटाफट हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कार्ड में सप्लाई दे दिया है दोस्तों, और इस एम्पलीफायर में भी मैं सप्लाई दे दिया। अब यहाँ पे हम इसमें माइक को लगा लेते हैं दोस्तों, जो हमारा माइक सॉकेट है तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं और देख सकते हो हेलो। यहाँ पे हम साउंड सब बढ़ा लेते हैं, हेलो 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 हेलो। इसमें थोड़ा सा इको है। तो ये जो प्रीसेट आप देख रहे हो फर्स्ट वाला आउटपुट के जस्ट बगल में, ये हमारा दोस्तों इको का है, हेलो हेलो हेलो। अभी इसमें कोई इको नहीं है, इसको जैसे हम बढ़ाएंगे हेलो हेलो हेलो, ये हमारा इको का प्रीसेट हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैंने इको कम किया तो इसमें कोई इको देखने का इफेक्ट नहीं मिलता है, हेलो हेलो। और फुल करेंगे तो हेलो ये हमारा फुल इको है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो प्रीसेट देख रहा है दोस्तों ये डिले का है, ठीक है। जब आप बोलोगे उसका ये टाइमिंग का प्रीसेट है, ठीक है। और ये हमारा इको का है, हेलो। तो दोस्तों ये इको बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर आप इसको किसी भी एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन करना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।